नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी नमस्कार। मनीष जी, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तो लगता हार का पा देने वाली ठंड है। लेकिन सियासी पारा बड़ा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस को देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सफाइयां किस किस तरह से दे रहे हैं। और अब तो बिल्कुल, दिल्ली में तो राहुल लगता गांधी हार का का पा देने वाली साबर ठंड प्रेम भी है। सामने आ गया है। बिल्कुल, अब मतलब ऐसा तो पूरी तरह से अंदाजा था कि कांग्रेस इसके अलावा कोई दूसरा स्टैंड लेगी नहीं। कांग्रेस को ये लग रहा था कि संभवतः बुलाहट नहीं आएगा तो फिर ये एक मुद्दा बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से पूरी प्लानिंग थी, इस तरह से माहौल, तो ये भी बनाया गया था कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी अलग अलग तरीके से अपने गिरोह कह लीजिए उनसे जारी किया कि आडवाणी जी का अपमान हो रहा है, आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन परत दर परत चीजें खुल रही है कि स्वयं आडवाणी जी भी वहां होंगे। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से निमंत्रण आएगा, और ये सिर्फ जिस तरह से प्रधानमंत्री को आया है वैसे ही सबको आएगा, ये अंदाजा नहीं था। उसके बाद खुद धर्म संकट में फंस गई कांग्रेस कि यदि वो जाते हैं तो भी उनके लिए हितकर है, लोग मजाक उड़ाएंगे कि अभी राम भक्त हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लग रहा है कि इन्हें लग रहा था कि जब दूरदर्शन पर इसका लाइव प्रसारण होगा, सीधा प्रसारण होगा, तो कैमरे ये बताएंगे कि सोनिया गांधी की भावभंगिमा क्या थी, राहुल गांधी वहां मोबाइल देख रहे थे या राम भक्ति कर रहे थे, तो ये ज्यादा मजाक बनेगा। मुझे लगता है कुछ कांग्रेस के कुछ सलाहकार जो अपने पेशे के, हमारे और आपके पेशे के हैं, उन लोगों ने समझाया होगा कि भाई कैमरे की भाषा में आप फंस जाएंगे। मुझे कई बार लगता है कि चेक एंड बैलेंस किया कि ज्यादा घाटा किस में है, ना जाने में घाटा है या जाने में घाटा है। तो संभवतः रामद्रोह के लिए कुख्यात रही कांग्रेस को यह लगा कि ना जाने में, रामद्रोह में ही फायदा है, क्योंकि इससे तो कहते ना माया मिली ना राम। अब कांग्रेस को पता चल गया है कि ये जो छद्म हिंदुत्ववादी बने पिछले 4-5 सालों में, राहुल गांधी ने त्रिपुंड लगाया, प्रियंका जी ने त्रिपुंड लगाया, गंगा में डुबकी लगाई, अपने आप को कहा कि, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो तपस्वी हैं, मतलब भगवान भोलेनाथ की तरह, तो ये चीजें इन 3 राज्यों के, 4 राज्यों के जो परिणाम आए उसमें साबित हो गया कि छद्म हिंदुत्ववाद इनका चला नहीं। तो उन्हें लगा कि शायद बाबरवाद ही चल सकता है, और मुझे लगता है कांग्रेस फिर अपना पुनः मुश्को भवा की तरह हो गई, फिर से उसी रास्ते पर चली गई, रामद्रोह के रास्ते पर, हिंदू द्रोह के रास्ते पर, सनातन द्रोह के रास्ते पर। कांग्रेस के लिए उसे लगता है कि यही रास्ता उसका सटीक है। पर मनीष जी, अभी जैसे राहुल गांधी को लेकर खुलासा हुआ है, मतलब टाइमिंग है ना, गया तो 2005 में थे राहुल गांधी बाबर की कब्र पर, लेकिन अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब पता चल रहा है कि अच्छा, दादी भी गई थी, परदादा भी गए थे, ये जनाब भी जाया है। लेकिन इस खुलासे से क्या लग रहा है आपको, बाबर प्रेम ज्यादा है, बाबरी ढांचा गिरा था, सबसे ज्यादा अफसोस कांग्रेस को ही हुआ था अपने वोट बैंक के चलते, तो आपको लग रहा है कि बाबर प्रेम के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर? बिल्कुल, देखिए ये साफ दिख रहा है कि ये जो बाबर प्रेम है वो राहुल गांधी के परदादा पर नाना को भी था, जवाहरलाल नेहरू को भी, इंदिरा जी भी गई, नेहरू जी भी गए, तो ये पूरी प्रक्रिया है, ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही सिलसिला जो है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये सिलसिला किसी भी हाल में खत्म। और इंटरेस्टिंग ये कि हम तो कल अपने शो में देख रहे थे कि उसी जगह पे पृथ्वीराज चौहान की समाधि है, लेकिन उस पर जाना कभी नहीं हुआ। पृथ्वीराज समाधि आपको याद होगा कि चूंकि मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो पृथ्वीराज इस मामले में जो मेन एक्यूज जो शेर सिंह राणा जो फूलन देवी हत्याकांड का था, उससे ये चीजें सामने आई थी कि कैसे वो चला गया था अफगानिस्तान, जब जेल से भागा था तो अफगानिस्तान चला गया, वहां से उसने दावा किया कि वो पृथ्वीराज चौहान के जहां पर समाधि है वहां से वो मिट्टी उठा करके लाया है और फिर यहां उसने पूजा किया था, तो फिर चीजें लौट करके आई थी कि अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि है, और समाधि क्या है, कब्र है, और वो अपमानजनक कंडीशन में मोहम्मद गौरी के सामने रखा गया है। हम लोगों ने उसमें अखबार में, उस समय सहारा अखबार में था, उस समय खबर इसको मैंने बहुत विस्तृत रूप से इसको वो भी किया था, क्योंकि शेर सिंह राणा एक्यूज था और उस मामले में कई बार वो पूरी चीजों को बताता था कि कैसे किस क्या चीजें हुई। तब वहां से लोगों को याद आया, अच्छा अफगानिस्तान में भारत के महानायक की समाधि है, ये चौंका देने वाला सच था, ये बड़ा दुखद था, लेकिन उसी जगह पे कभी जाना नहीं हुआ। आप बाबर की समाधि पर जाते हैं,
ये मैसेज देता है इतिहास से। तो आप यदि कहते हैं कि हम इतिहास के दर्शन करने गए थे, तो वहां इतिहास तो पृथ्वीराज चौहान जी का भी है, भारत के महानायक का, वहां जाना नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि आप कहां वो करते हैं। और इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हैं। कन्हैयालाल नंदन जी का जो है वो लेख भी मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि बाबा वो भी गए थे, वो जब इच्छा हुई तो उन्हें वो गए तो वहां, लेकिन अफगानियों ने उन्हें बताया, वहां के जो गाइड ने बताया कि हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब हमारे लिए, क्योंकि वो तो उज्बेकिस्तान का था, अफगानिस्तान का था भी नहीं, क्योंकि बृहत उस समय भारत वहां का शासन था मुगलों का, तो वहां उसकी कब्र लगाई गई। कहने का मतलब ये है कि अफगानियों को भी उससे बाबर से लगाव नहीं है, लेकिन क्यों बाबर से लगाव गांधी परिवार का है कि नेहरू भी वहां जाते हैं, इंदिरा भी वहां जाती हैं और राहुल गांधी भी वहां जाते हैं, ये सवाल तो है। दुनिया में देखिए, दुनिया में किसी भी जगह के मस्जिद का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, सिर्फ बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद है। कहीं पर भी कोई मस्जिद, चाहे चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद इसको कहते हैं, वहां पर भी किसी व्यक्ति के नाम पर कहीं भी दुनिया में मस्जिद नहीं है, सिर्फ बाबर की मस्जिद है। और इस बाबर से जो यहाँ के एक समुदाय विशेष को क्यों प्रेम था, जो एक डकैत था, एक लुटेरा था, अत्याचारी था, तो उससे राहुल गांधी और उनके परिवार का प्रेम सचमुच अब जाकर के चौंका रहा है। और आप जो कह रही कि तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए सरकार की बड़ी ताकत होती है, सत्ता और सरकार की, और वो तस्वीर किसके माध्यम से जारी होती है, हेमंत बिस्व शर्मा के नाम से, जो कांग्रेस पार्टी के अब बड़े नेता थे, राहुल गांधी के प्रिय टीम में से थे एक समय, लगभग हम उम्र की कंडीशन में ही है, उनके द्वारा जारी किया गया है। तो एक बहुत बड़ा तमाचा है जो देश को सच जो है दुनिया के सामने रख रहा है। और मनीष जी, अभी तो इंदिरा गांधी के बारे में नटवर सिंह ने जो लिखा है कि वो उनको भी लेकर वहां पे गए थे कब्र पर, और इंदिरा गांधी वहां खड़ी रही चुपचाप, कुछ उन्होंने मन में कुछ बोला, फिर उसके बाद उनसे कहा कि मैंने इतिहास देख लिया। ये सारी चीजें जो अब एक साथ सामने आ रही है, तो लोगों को पता चल रहा है ना कि कांग्रेस का डीएनए क्या है। फिर तभी तो अयोध्या नहीं जा रहे ना। बिल्कुल, अयोध्या आज नहीं जा रहे, कभी नहीं गए राम मंदिर के दर्शन के लिए उस इलाके में, कभी कांग्रेस का कोई भी आदमी, कोई बड़ा नेता आज तक कभी नहीं गया। इसीलिए चीजें परत दर परत खुल रही हैं, कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक वोट बैंक के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं वो दिखा रहा है कि अयोध्या आप अब तक क्यों नहीं गए। अब जब पूरा देश में जश्न का माहौल है, बड़ी पैमाने पर वो लोग भी जो उस समय कहा करते थे कि यहाँ अस्पताल बना दो, यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम बना दो, अब वो भी मान रहे कि हमारे आराध्य की अयोध्या में जो है वैसी मंदिर बन रहा है, तो हमें सौभाग्य मिलेगा कि हमारी पीढ़ी ने इसको देखा है। लेकिन कमाल की बात है कि कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से एकदम राजनीतिक स्टैंड लेकर के किया है। कमाल की बात यह भी कि आजकल लोग कह रहे हैं कि कुछ शंकराचार्यों का नाम ले रहे हैं, मतलब जिन शंकराचार्यों का उन्होंने हत्या का केस करवा करके जिन शंकराचार्य को जेल में बंद करवा दिया, आज शंकराचार्य के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस हिस्से को जोड़ने को लेकर के, कि आप राम मंदिर में ये जो भगवान राम के साथ, तो ये इतना बड़ा अवसर है, उसको उसके लिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी का ये सौभाग्य होना चाहिए कि उनको निमंत्रण उस अवसर पर इतिहास के गवाह बन रहे हैं। और इसीलिए पार्टी के अंदर जबरदस्त विद्रोह हो रहा है कई राज्य में। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, उनका, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, बोला हम तो, हमें निमंत्रण है, हम तो जाएंगे ही। जो अर्जुन मारवाड़िया है जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे और कांग्रेस को ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए। तो चूंकि राम सबके हैं, अब ये सोनिया कांग्रेस है, बाबर भक्त कांग्रेस है, तो हो सकता है कि सोनिया के एजेंडे पे कांग्रेस को, वर्तमान कांग्रेस को ऐसा चलना करना पड़ रहा है। लेकिन सचमुच ये बहुत दुर्भाग्य है। अब तक का जो विरोध उनका पॉलिटिकल समझ में आता है, लेकिन इसका विरोध सचमुच चौंकाने वाला है, और पूरी देश की जनता इसको देख रही है, कांग्रेस अपने आप को किस गत में लेकर के जा रही है। और फिर आप ये देखिए ना, पहले रागी अलापा की न्योता नहीं आया, चुने हुए लोगों को बुलाया जा रहा है, फिर जब न्योता आ गया सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अधीर रंजन चौधरी को, तो बड़े दिन तक न्योता दबा कर रखा, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि सीताराम येचुरी को मिला तो तुरंत बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी स्ट्रेटजीज के साथ पहले न्योते को रखे रखा, फिर अचानक से ऐलान किया कि हम नहीं जाएंगे, और अब बाबर प्रेम छलक रहा है। तो ये कांग्रेस को, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देश में बड़ी पुरानी पार्टी है मनीष जी, क्या कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही वोट देते हैं? क्या उनको हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है? और उन्हीं हिंदुओं के जो नेता इनकी अपनी पार्टी में, वो भी तो विरोध के सुर उठा रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को नाराज करना कांग्रेस ऐसा कर सकती है?
जबकि वो 2024 में बड़ी पारी खेलने का इस वक्त मन बनाकर बैठी है कि हम तो कमाल कर देंगे, तो उस कमाल में क्या हिंदू वोट बैंक कहीं नहीं रहेगा? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कंजू जी की छद्म हिंदुत्व पे कांग्रेस आई थी, राहुल गांधी को मंदिर मंदिर भटकाया गया, उन्हें दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया गया, कोट पे जनेऊ पहनते हुए नजर आए, सबसे इंटरेस्टिंग था प्रियंका वाड्रा का त्रिपुंड लगाकर गंगा में डुबकी लगाना, ये सब कुछ हुआ। भले ही सोनिया गांधी कहीं नहीं दिखी इन सब चीजों में, सोनिया गांधी ने भी रामायण लेकर के तस्वीर खिंचवाई थी वैसे रामचरितमानस लेकर के, लेकिन ये प्रयोग इन राज्यों में फेल हो गया। तो उन्होंने इस चीज को कहा कि उत्तर भारत के लोग मूर्ख होते हैं, दक्षिण भारत के लोग समझदार होते हैं। अब इसे उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश की गई, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हार कांग्रेस के लिए बहुत मतलब चौंका देने वाला था। कांग्रेस के खलिहर तो ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो जीतेंगे ही जीतेंगे, राजस्थान में भी हम जीतेंगे ही, और मध्य प्रदेश में तसल है लेकिन अंत में हम जीत जाएंगे, ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कांग्रेस के खलिहर पत्रकारों के द्वारा। लेकिन अल्टीमेटली परिणाम जो आया वो कांग्रेस को चौंका गया, क्योंकि भाई इतना स्वप्न दिखाया जा रहा था। अब महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये है कि राहुल गांधी सांसद कहां से हैं, उस चीज को मुझे लगता है बहुत गंभीरता समझना चाहिए। वो वायनाड के सांसद है, बताया जा रहा है 80-90% वहां मुसलमान है। तो अब बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वायनाड की जनता की चिंता है, मतलब राहुल गांधी कांग्रेस को राम की नहीं राहुल गांधी की चिंता है, क्योंकि वो अमेठी से हार चुके हुए हैं, हारने के बाद राहुल कभी अमेठी नहीं गए, इसका मतलब यह कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने छोड़ दिया उत्तर प्रदेश को एकदम से, अब उनके लिए जो चुनाव क्षेत्र है जो उनका जहां पर चुनाव लड़ते हैं वायनाड से, अब राहुल यदि वहां से भी हार जाएंगे, सांसद भी नहीं रहेंगे, तो क्या वजूद रह जाएगा? जब तक कहते हैं ना कि जब तक बंद मुट्ठी है, राहुल गांधी कम से कम मेंबर पार्लियामेंट तो है। अब कांग्रेस की तो दुर्गति ये हुई कि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा भेजने लायक स्थिति आपकी नहीं है। लोकसभा चुनाव प्रियंका वाड्रा कहीं से जीत नहीं पाएंगी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी प्रियंका वाड्रा और प्रभारी होकर के भी पूरा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी अमित शाह थे, तो इतना बड़ा कद उनका बढ़ा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी यदि प्रियंका वाड्रा बनेंगी, अब प्रियंका वाड्रा से उत्तर प्रदेश का प्रभार भी छीन लिया गया, मतलब वो खलिहर वो भी हो गई है, सिर्फ महासचिव कहते हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है वो, उनके पास एकमात्र वही है जिनके पास महासचिव होते हुए भी कोई जिम्मेदारी नहीं उनके पास। तो ये दिखाता है कि यदि मध्य उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो कहीं 80 की 80 सीट योगी दिलवा ना दे बीजेपी के खाते में, जिस तरह से गुजरात में हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में प्रियंका वाड्रा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए सेफ जोन में प्रियंका वाड्रा को ही राहुल गांधी की तरह रख दिया गया है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होगी, बस बस चेहरा होंगे, हार गए तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जीत गए तो पूरा क्रेडिट। जैसे देखिए जब जीते थे तो हिमाचल प्रदेश का क्रेडिट भी दे दिया गया था, मतलब जहां जहां जीतते हैं राहुल तो वहां का क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन हार का डिस्क्रेडिट नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि बड़ी चिंता इस बात को है कि यदि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए तो वायनाड भी छीन जाएगा, और मुझे एक और चीज जो वो लगता है कि जब गए तो तस्वीरें भी आएंगी कि सोनिया गांधी कैसी लग रही थी, राहुल गांधी कैसे लग रहे थे, और मजाक ही बनेंगे। तो इनको लगा कि भाई अब तक जो रामद्रोह कर रहे थे वही ज्यादा सटीक है, और इसीलिए पॉलिटिकली बहुत टाइम लगाया है कांग्रेस ने, फैसला लेने में कांग्रेस ने बहुत टाइम लगाया है, चेक एंड बैलेंस किया, नफा नुकसान 1%, 2%, 3% चारों तरफ से देखा गया है कि फायदा क्या है, और फायदा कांग्रेस को इसी में लगा कि यदि नहीं जाने से वायनाड कम से कम बच जाएगा, राहुल गांधी का वजूद बच जाएगा, राहुल गांधी के वजूद को बचाने के लिए रामद्रोह किया गया है। लेकिन रामद्रोहियों का क्या हाल है ये देश अभी देख रहा है पिछले कुछ वर्षों में। बिल्कुल मनीष जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। पर आप देखो ना, जब विदेश दौरे पर जाते हैं, राहुल गांधी जब यूके गए थे तो ये कहा था कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है, आप सोचिए किस तरह की टीका टिप्पणियां वहां कर रहे थे, और फिर केरल से जब चुनाव जीत के तो बोले कि उत्तर भारत के लोग तो ज्यादा समझदार नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं करते, मुद्दों पर बात सिर्फ केरल के लोग करते हैं। तो आप सोच लीजिए, उन्होंने उत्तर भारत में तो अपने वोट बैंक को एक तरह से मूर्ख ही बता दिया था, और अब वो जो ये न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है? राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभालने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको बस यात्राएं करनी है, आगे दौड़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, आगे दौड़ पीछे चौड़, कहावत है ना, तो कांग्रेस का वही हाल है। देखिए,
एक विमर्श में मुझे लगता है कि कांग्रेस कोटे के कई पत्रकारों से जो मेरे साथियों से बात होती है, जो कांग्रेस रिपोर्टिंग करते रहे या कर रहे हैं, तो अक्सर कहते हैं कि चर्चा में बने रहना महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी को चर्चा में, और तो कोई काम राहुल गांधी के पास है नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की, भले ही खड़गे डमी चेहरा है, सब कुछ राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस किस में। आज भी राहुल, कई वीडियो आते हैं कांग्रेस कार्यालय से, जब तक राहुल गांधी नहीं बैठते, खड़गे आज भी बैठने की हिम्मत नहीं कर जुटा पाते हैं, ये गत है इन लोगों की। तो ऐसे कंडीशन में निमंत्रण भी, नाम से यदि कहिए तो खड़गे जी का आया है, चूंकि अध्यक्ष हैं लोकसभा में, राज्यसभा में पार्टी अध्यक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इधर लोकसभा में करीब मल्लिका अधीर रंजन चौधरी हैं, सोनिया गांधी चूंकि यूपीए सुप्रीमो के रूप में उनको बुलाया गया। राहुल गांधी का मुझे लगता है कि व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं है, पारिवारिक हो सकता है कि साथ, क्योंकि राहुल गांधी, यदि राहुल गांधी को निमंत्रण दिया जाएगा तो तमाम सांसदों को दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को निमंत्रण है। तो ये बड़ी बेइज्जती एक तरह से ये भी है कि भाई भाई निमंत्रण किस लिए, आपके लिए वो युवराज हो सकते हैं, देश के लिए तो कोई मायने नहीं रखते, वो एक सिंपल सांसद है, वो हारे फेल्योर सांसद है जो अपने पारंपरिक सीट से हारे हैं और किराए के जाके जितवाए गए हैं, ये बात अलग है। लेकिन दूसरी चीज है कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष नहीं है लेकिन पार्टी का चेहरा तो वही है, उनको चर्चा में विमर्श में रखना है, ठीक उसी समय जब राम मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, 22 तारीख को भले ही प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम है जो शुरू हो जाने हैं, तो उसी दौर में मीडिया का ध्यान इधर भी आकर्षित करने का। और इंटरेस्टिंग ये है कि मणिपुर से ही क्यों, ये बड़ा चौंकाने वाला है कि मणिपुर से ही आप क्यों करने की जिद में। मणिपुर सरकार ने कह दिया है भाई सुरक्षा की दृष्टि से हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, अब ये जिद पे कहने शुरू तो मणिपुर से ही करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि मणिपुर से क्यों, इसका मतलब ये है कि जिस समय ये आंदोलन चल रहा है उस समय देश में कोई उपद्रव हो, मणिपुर जब बहुत सेंसिटिव स्टेट है तो फिर आप मणिपुर से ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। मणिपुर सरकार ने ना कर दिया है, मुझे जानकारी के मुताबिक कहीं पढ़ रहा था कि असम सरकार ने भी कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे अपने यहां से, क्योंकि हमारा भी सेंसिटिव मामला है, हमारे यहाँ हम सीए की बात कर चुके हैं और यूसीसी के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो मणिपुर की मुख्यमंत्री ने भी शायद मना कर दिया है। ऐसे कंडीशन में ये चर्चा विमर्श में रहे, मुझे लगता है कि सिर्फ इसीलिए वही टाइमिंग तैयार की गई है, इसका मतलब कांग्रेस पहले से तैयार थी कि उसको नहीं जाना है। यदि राहुल गांधी उस यात्रा में रहेंगे तो कैसे जाते, इसका मतलब पूरी तैयारी रही है कि उस आंदोलन में नहीं जाना है। और ये घोषणा बहुत नौटंकी के साथ की गई है, पहले से तैयारी थी कि हमको रामद्रोह करना है, उसके जगह पे हमें ये एजेंडा चलाना है ताकि फसाद हो। अब ये लोग कहते ही हैं, वो क्या नाम है सत्यपाल मलिक कह रहा है कि वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो एक तरह से क्या बहुत तैयारी चल रही है। दिल्ली में कल दो लोगों को कल या परसों में गिरफ्तार किया गया है, सरकार की पूरी नजर है कि क्या ऐसे समय में जब ऐसा अवसर है देश के लिए, इतने सालों बाद ये सौभाग्य का अवसर है कि उसमें कोई बड़ा पाखंड बड़ा षड्यंत्र बंद नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार बहुत सेंसिटिव होगी इस बात को, और वो दिखा दिया गया कि मणिपुर में ना करके मैसेज सरकार ने दे दिया है। सवाल तो ये भी उठता है ना मनीष जी कि जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो फिर अरुणाचल प्रदेश को क्यों छोड़ दिया, अरुणाचल प्रदेश का नाम ही अरुणाचल का आंचल है, सबसे पहले सूर्योदय तो वहीं पे होता है, तो वहां से क्यों नहीं, क्योंकि फिर तो आपके चाचा नाराज हो जाएंगे वो जो चीन में बैठे। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ यही मसला है, वरना आप यदि मणिपुर टच कर रहे हैं आपने अरुणाचल क्यों नहीं टच किया, आप भारत का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है उसको क्यों नहीं टच कर रहा, इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि जहां से फंडिंग होती है इन सब कांडों के लिए वो आप नाराज हो जाएगा, चाइना नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना तो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है और आप बार बार दावा करते हैं कि उस पर कब्जा उसका है। तो समाज महत्वपूर्ण ये है कि फिर वो तस्वीर सामने आती है कि 2008 में जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ गए थे, तो चाइना के उस समय के जो उपराष्ट्रपति उनके साथ वो तस्वीर क्यों है, जो वर्तमान में भारत राष्ट्रपति हैं, वो दिखाता क्यों वो समझौता हुआ जिसको आज तक कांग्रेस सफाई नहीं दे पा रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि भाई वो तस्वीर जिसमें समझौता हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, समझौता क्या था, ऐसी समझौता पोलिटिकल पार्टियों की, दो देशों की पोलिटिकल पार्टियों ने क्यों किया ऐसा समझौता, और क्यों आप हमेशा चाइना के पक्ष में खड़े रहते हैं। इससे साबित होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो आप इग्नोर आप अरुणाचल प्रदेश को कर रहे हैं वो साफ चीजें, वो साफ साफ झलक रही है वो चीजें। और मनीष जी आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ समझौता किया, तो आप बताओ ना किसी और देश के साथ भी क्या क्या, सिर्फ चाइना के साथ ही क्यों किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दूसरा पहलू देखिए, फंड तो शायद आ नहीं रहा है, सोरोस ने भी हाथ खड़े कर ही दिए कि भाई उनके पास फंड नहीं, आ नहीं लगाएंगे,
तो मुझे, और उसके एवज में फिर इन्होंने अपना खजाना भरने के लिए एक क्यूआर कोड भी दिया, एक वेबसाइट भी चलाया डोनेट और देश, और उसमें क्या खेल हो गया कि पैसा कहीं और डाल रहे, जा कहीं और रहा। बिल्कुल, और वो जो भी पैसा आया वो 11 करोड़, समझिए कि राम मंदिर के लिए एक व्यक्ति ने 11 करोड़ दे दिया, और आप इतनी पुरानी पार्टी है, पूरे देश से आपने भीख मांगा वो भी नहीं मिला। एक पुरानी कहावत बिहार में कहा जाता कि भेष देख के भीख मिला जाता, आपकी हैसियत के हिसाब से। इस देश की जनता ने आपको हैसियत बता दिया है कि आपकी औकात है। अभी 11 करोड़ में भी कितने कांग्रेस के धन्ना सेठों को बलपूर्वक कहा गया होगा भैया पैसा दो, ताकि हमको दिखाना भी है, तो अपनों से ही दुहा गया। क्या 1 रुपया भी देश की आम जनता ने दिया है क्या? ये बताता है कि देश की आम जनता, देखिए आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई थी तो बड़े पैमाने पर डोनेशन हुआ था, उसने एक नैरेटिव बनाया था, लोगों का एक विश्वास। आज आम आदमी पार्टी चंदा मांग के देख ले उसको उसे क्या मिलता है, लेकिन एक समय था जब आम आदमी पार्टी ने डोनेशन कैंप चलाया, लोगों को एक उम्मीद लगा, एक कहते ना कि एक भरोसा जगा, कि चूंकि भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त था, केजरीवाल ने एक पाखंड किया, उसे पाखंड, हम लोग भी उससे प्रभावित थे, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी उस बारे में प्रभावित था केजरीवाल से, मुझे लगा कि एक व्यक्ति आ रहा है चलो बीच आम आदमी के बीच का, लेकिन वो पाखंड खुला। यही सोशल मीडिया जिस केजरीवाल को सर पे बिठाया हुआ था, देखिए क्या हो रहा है। आज यदि केजरीवाल यही खोल दे डोनेशन कैंपेन तो देखिए क्या होगा। ये दिखाता है सोशल मीडिया के दौर में कि आपकी हैसियत क्या है। कांग्रेस ने अपनी हैसियत बता दी इस डोनेशन कैंप से कि आम जनता में उसकी पकड़ क्या है, उसकी पहुंच क्या है, आम जनता उसके लिए सोचती क्या है। वरना मात्र 11 करोड़ आज के देश में, इतने बड़े देश में, आप कह रहे हैं दक्षिण भारत के लोग बहुत समझदार हैं, तो बताइए कि दक्षिण भारत से कितने पैसे आए हैं, महाराष्ट्र से कितने पैसे आपको मिल गए, कहां से एक पैसा। इसका मतलब आम आदमी ने कोई पैसा नहीं दिया। राम मंदिर के लिए तो एक एक आदमी ने 11 करोड़ रुपए दे दिए, गुजरात का एक बिजनेसमैन ने दे दिया है। तो ये बताता है कि आप उस राम मंदिर से एक अपने आप को, मतलब राहुल के वजूद को बचाने के लिए आप रामद्रोह पर उतारे हुए हैं। ये पूरा देश इस चीज को बेहतर तरीके से समझ रहा है। मुझे तो ये लगता है मनीष जी कि ये सारा ना एक तरह से एक गड़बड़ झाला इसलिए किया गया ताकि जो ब्लैक मनी है कांग्रेस के लोगों के पास उसको व्हाइट किया जाए। अब देखो ना वो साहू जो है उसके पास 360 करोड़ रुपया निकल आता है, फिर कहता है नहीं नहीं मेरा अपना है, या वो पता नहीं किस चीज के लिए रखा था। तो एटीएम तो बंद हो गया छत्तीसगढ़ में, तो जब एटीएम बंद हो गया तो मुझे लग रहा है वो गड़े खजाने निकाल रहे होंगे कि उसको इस बहाने व्हाइट ही कर दिया जाए, या फिर सच में कांग्रेस कंगाल हो गई है। बिल्कुल, देखिए एक फिल्म का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है छोटा सा है, जिसमें इंकलाब का शायद है, जिसमें अमिताभ बच्चन से वो खलनायक कहता है कि हमने चंदा कैंपेन चलाया है, व्हाइट मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करना है। तो पब्लिक, पैसा तो हमारा ही है लेकिन हम ये दिखाएंगे, मैसेज देंगे कि पब्लिक ने पैसा हमें दिया है। तो वो चीजें वायरल हो रही है उसमें सोनिया गांधी को वो दिखा करके। तो चीजें सबको समझ में आती है कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। अब देखिए कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुझे कुछ ऐसे जो कांग्रेस कोटे के पत्रकार जो आजकल यूट्यूब पे खलियर हो गए हुए हैं राजीव शुक्ला के चेलों को मैं देख रहा हूं, उनको बुलाया गया कि जस्टिफाई करने के, जो अभी जंतर मंतर पर ईवीएम को बदनाम किया जाए, ईवीएम को खूब बदनाम करने की कोशिश की। कुरैशी साहब को सब जानते हैं कि कहां के प्रति वफादार हैं, मैंने भी कई इंटरव्यू उनके किए हुए हैं उस दौर में अखबार में भी। कुरैशी साहब ने कहा कि हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं रहता कि ईवीएम कौन सा, ईवीएम किस क्षेत्र में जा रहा है। तो अब तो पूरी तरह से ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अभी 4-5 दिन पहले जंतर मंतर पर किया कि ईवीएम को, जब तक ईवीएम के कारण ऐसा हो रहा है, मतलब ईवीएम के कारण आप हिमाचल जीत जाते हैं वो ठीक है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वही ईवीएम जब आप गुजरात में हारते हैं, जब आप राजस्थान भी हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो दर्शक जनता, इस देश की जनता इनके पूरे षड्यंत्र को जान चुकी हुई है, ये क्यों इनका भारत की सांस्कृतिक विरासत से, मतलब आप जिसका राम से विरोध हो जाए, जो राम से नफरत करने लगे। अब देखिए कि पूरे पाखंड के रूप में बिहार में वो लालू पुत्र क्या बक रहे हैं, वो मतलब वो अलग। तो इन लोगों को अब खुद बाप को जेल से बचाने के लिए अपने गृह जिला जो गोपालगंज लालू यादव का जिला, वहां थावे का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां जाकर के आप घुटने टेकते हैं, आप तिरुपति बालाजी चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक को क्या कहते हैं, मंदिर से पेट भरेगा, मंदिर से अस्पताल चाहिए कि मंदिर चाहिए। ये वही नैरेटिव जो 90 के दशक में गढ़ा गया था कि मंदिर चाहिए अस्पताल चाहिए। आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो दर्जनों अस्पताल बनेंगे, देश का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट तैयार हो गया है,
सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन तैयार हो गया है। सोचिए रोजगार का क्या आलम होगा। 2-2.5 साल पहले मैं वहां गया था, अयोध्या कायाकल्प हो रहा है अयोध्या का, तो ये समझ में आता वाराणसी का कायाकल्प हो गया। ऐतिहासिक शहर है वाराणसी, को फिर से बसाना लगभग असंभव सा था। उस वाराणसी का कायाकल्प मुझे एक रिक्शा वाले ने बताया जब मैं पिछले बार मिला, कि 1 साल में क्या बदला। बोला सर अगले साल आइएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या बदला। प्रति साल जो बदलाव हो रहा है उसके कारण क्या है, लोगों का रोजगार स्वाभाविक मामला है। यदि जिस अयोध्या में कोई नहीं जाता था उस अयोध्या में यदि ऐसा विस्तार हो रहा है तो फूल वाले से लेकर के और हर व्यवसाय रिक्शा वाला तक हर किसी को रोजगार मिलेगा, आसपास के लोगों को फायदा होगा। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कह रहे थे कि वहां एक अस्पताल बना दो, एक अस्पताल से कितने लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन एक राम मंदिर से पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरे भारत का अर्थशास्त्र बदल जाएगा। ये इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। एक मक्का होने के कारण सऊदी अरबिया का अर्थशास्त्र चलता है, और जो हमारा हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है, उससे हमें काट करके हमें पूरी तरह से बर्बाद किया गया। अब जब राम मंदिर बन रहा है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इस राम मंदिर के बनने के क्या मतलब। और आप जो कह रहे थे ना तेजस्वी वाली बात, आप सोचो कह कौन रहा है, कितना पढ़ा लिखा है वो खुद, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि उसके बयानों को सीरियसली लिया जाए या नहीं। और फिर आप ये देखो मनीष जी कि 160 देशों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, टाइम स्क्वायर पर दिखाया जाएगा। और इस देश में वो लोग जिनको न्योता मिला, हम लोग सोच रहे हैं हम उसके बाद जाएंगे, हम उन भाग्यशालियों में नहीं है जिनको न्योता मिलता, उन ओहदों पे नहीं है कि कोई हमें उस दिन बुलाए। हमें लग रहा है यार हमें भी वहां होना चाहिए था उस दिन, और जिनको मिल रहा है वो जा ही नहीं रहे। तो ये तो अभागे ही हुए ना, मैं तो इनको अभागा कहूंगी। फिर मैं ये भी कहती हूँ कि हम ये मानकर चलते ना हमारी संस्कृति में कि जब बुलावा आता है तो आदमी नंगे पांव भागा जाता है, तो इसका मतलब है न्योता तो मिला लेकिन वहां से बुलावा नहीं आया इनको राम का, इसीलिए नहीं जा रहे। बिल्कुल, बिना राम के बुलावे के कुछ नहीं हो सकता। कई बार आप और हम प्रोग्राम बनाते हैं कि वैष्णो देवी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। मैं कई सालों से जगन्नाथपुरी का प्रोग्राम बना रहा था मगर जा नहीं पा रहा था, कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती थी, अक्सर कुछ घर में कुछ हो गया कोई, तो क्या हमारे कहा जाता है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होगा नहीं आएंगे। ये जो जगन्नाथ जी की मूर्ति पीछे है, ये हमें वहां एक हमारे एक व्यूअर्स ने गिफ्ट किया था कि आप वहीं जहां सरस्वती जी को लगाते हैं वहीं लगाइएगा। मैं 3-4 सालों से वहां जा रहा था, जाने को सोच रहा था लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था। तो बिल्कुल साफ है कि हमारे जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा, और राम के लिए तो साफ है भाई, राम जी का जब तक बुलावा नहीं आएगा कोई पापी दर्शन चाह करके भी कोई नहीं कर पाएगा। जब उनका बुलावा आएगा आप तभी जा पाएंगे। तो सचमुच ये अभागे हैं कि इनको अवसर मिला, इन्होंने खुद टुकरा लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके प्रबोध कृष्णन कह रहे हैं, उन्हीं के लोग अब उनसे कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े अभागे हो कि तुम्हें ये सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य तो सब किस हर किसी को ये सौभाग्य मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और राहुल गांधी के परिजनों को, अधीरंजन चौधरी को, रामद्रोही खड़गे को जो खुद ही कह चुका हुआ है कि वो मतलब राम के खिलाफ क्या क्या बक चुका हुआ है, ऐसे लोगों को अवसर मिला लेकिन राम नहीं चाह रहे, राम जी नहीं चाह रहे कि ये ऐसे अभागे यहां आए। तो जो राम जी चाहेंगे वही होगा, राम जी चाह ही नहीं रहे कि बाबर भक्त जो हैं वो वहां पहुंचे। और सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, कहते हैं ना कि हर वक्त हम जो कुछ करते हैं ना वो सब भगवान तय करते हैं, हमारे एक एक क्षण का आगे का फैसला भगवान का ही है, उन्हीं का है, राम जी का है। तो इसीलिए राम जी नहीं चाह रहे हैं कि ये आए, जो कुछ भी हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। और पता नहीं भारत के राम भक्त तो चाहते ही थे, लगातार मेरे शो पे भी लोग लिखते थे कि मनीष जी इनको इन पापियों को बुलाया क्यों जा रहा है। तो हम तो तर्क गढ़ देते थे कि भाई राम तो सबके हैं, राम तो सबरी के भी हैं, रावण के भी हैं, रावण पर भी उन्होंने दया की थी, कहा था कि अंतिम समय में लक्ष्मण को जाओ इससे कुछ सीख लो। तो राम तो सबके हैं, इसीलिए ये भ्रम भी नहीं पालना चाहिए। और ठीक है, ये इनका सौभाग्य इनका दुर्भाग्य इनके साथ है। पर आप देखो कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे, कमलनाथ कह रहे थे कि सब राम सबके हैं। तो अगर राम सबके थे तो ये सवाल हमेशा बीजेपी से क्यों पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस ही पूछती थी ना ये सवाल, तो फिर ये सवाल बीजेपी से क्यों पूछते थे। और अगर आज राम मंदिर के चलते बीजेपी को फायदा हो रहा है या बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रही है। बिल्कुल, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और यही चीज है कि आपने खुद कहा
आपने खुद कहा कि तारीख भाई, तारीख जिसको बताने के लिए कह रहे थे वो तारीख बता रहा है, तो भगवान राम ने उसी को दिया अवसर की तारीख बताने का। आपने वैसे से मैं इनने इतनी गलतियां कर ली है ना, इतना अपराध कर लिया है ना। अब देखिए कि इनको सही बात है कि अवसर देखिए तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो ताला खुला, पूरा क्रेडिट उनको ले लेना चाहिए था, एक तरह से बाबरी विध्वंस का क्रेडिट भी कांग्रेस को लेना चाहिए थी। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और लगातार यार कि उस समय कहा जाता था पूजा में लीन थे, वो उठे ही नहीं। नरसिंह राव भी अपने ढंग के घाग नेता थे, उन्हें लगता था कि यदि मस्जिद खत्म हो जाएगा तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, नरसिंह राव इस रूप में सोच रहे थे। बाद में पूरी प्लानिंग भी की गई कि इसको सुलझाया जाए कैसे, लेकिन कांग्रेस कभी अपने उस क्रेडिट वो चेक एंड बैलेंस तो करती रही, साहबानों के बदले ताला खुलवा दिया, लेकिन ये कांग्रेस उसको यदि उस चीज को क्रेडिट लेने की स्थिति में भी नहीं रही, ये भी नहीं बोल सकती कि हाँ हमने ताला खुलवाया। एकाएक एक दिन के अंदर जजमेंट आना, उसी दिन फिर ताला खुल जाना, बिना सरकारी प्लान के कुछ नहीं हो सकता। सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, सरकार बहुत ताकतवर होती है। और आप जो शुरुआत में कह रहे थे तस्वीरें कहां से आई, इसलिए तस्वीर आई क्योंकि सरकार चाह रही है। सरकार बहुत ताकतवर होती है चाहे कोई भी सरकार हो। यूं ही नहीं एक ही दिन के अंदर फैजाबाद की कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसी दिन 3 घंटे के अंदर ताला भी खुल गया। जजमेंट आने के बाद कई प्रोसेस होते, उस समय तो आज की तरह इंटरनेट का दौर भी नहीं था, टाइपिंग हुई होगी, अब फैसला आने में कितना समय लगा होगा, वो फैसला डीएम तक पहुंचेगा, एक प्रक्रिया हुई रही होगी, लेकिन फैसला आया और कुछ घंटे के अंदर ताला खुल गया। तो ये बताता है कि सरकार की, और इंटरेस्टिंग ये सब लोग जानते हैं कि उस समय दूरदर्शन का ओवी वैन वहां पहुंचा हुआ था, और आप हम लंबे समय टेलीविजन में आप रही हुई हैं, हम लोग जानते हैं कि उस दौर में ओवी वैन कहीं पहुंचने के क्या मायने थे। आज की तरह का नहीं था कि हर जगह ओवी वैन होगा, ओवी वैन सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था और सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि जजमेंट आने से 15 दिन पहले पता था सरकार को कि जजमेंट क्या आना है, इसीलिए फैजाबाद में ओवी वैन लगी हुई थी, सीधा प्रसारण हुआ उसका फैसले का। तो ये चीजें बताती है कि सब कुछ कैसे, लेकिन उसको क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले पा रही है। आज यदि कह रही है ना कि हम ये बीजेपी का, तुम बताओ कहां हम, कि हमारा कार्यक्रम है, हमने राम मंदिर बनवाया है, हमने ताला खुलवाए हैं, वहां पूजा पाठ हमारे प्रयास से हुआ, लेकिन कांग्रेस ये क्रेडिट लेने की स्थिति में भी नहीं है, नहीं ले सकती है। यही उसका दुर्भाग्य है और यही राम जी चाहते हैं, और इसीलिए राम जी वही राम कांग्रेस कर रही है जो राम जी चाह रहे हैं। और कांग्रेस क्रेडिट ले भी तो कैसे ले ना, कांग्रेस को तो अपना वोट बैंक याद आ रहा है, कर्नाटक को देख के उनको लगता है उनका वोट बैंक वापस आया है। 28 पार्टियों के साथ भले ही कांग्रेस इंडियन अलायंस में, लेकिन उनको लग रहा है मारा मारी तो उसी वोट बैंक को लेकर है, तो इसलिए कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही। लेकिन कांग्रेस का ये कदम चलते चलते इतना बता दीजिए मनीष जी कि ये आत्मघाती तो है ही ना उनके लिए 2024 को देखकर। कांग्रेस ये भूल रही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, उनको हिंदू भी देते हैं। उनको जो हिंदू देते हैं भले ही वो किसी सेकुलर कहते हो अपने आप को, लेकिन राम में तो आस्था रखते हैं, उनकी पार्टी के नेता ही उठ खड़े हुए हैं। देखिए ना, समाजवादी पार्टी का एक विधायक वहां पहुंचा हुआ है अयोध्या में, आचार्य प्रमोद कृष्णन पहुंच गए अयोध्या में, ऐसे करके बहुत से लोग वहां जा रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के लिए तो ये एक तरह से सुसाइडल है पॉलिटिकली देखा जाए तो। देखिए कांग्रेस को मुसलमान वोट देती है ऐसा भी नहीं माना जा सकता अंजू जी। यदि मुसलमान वोट देते तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं वोट दे रहा, बिहार में मुसलमान क्यों नहीं वोट दे रहा आपको, समाजवादी पार्टी को क्यों दे रहा है? कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मुसलमान उनके बदवा मजदूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको यदि मुसलमान कांग्रेस का प्रिय होता तो दिल्ली में आपको 2013 का विधानसभा चुनाव याद होगा, 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को वोट मिला, आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। लेकिन जब मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया तो वही 67 सीट तक वो जीत गए। बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम वोट को हमेशा लगता है कि हमें बीजेपी, यदि मैक्सिमम मुस्लिम वोट को लगता है कि हमें बीजेपी को हराना है, तो इसीलिए प्रिय उनका कोई नहीं है। बिहार में लालू यादव हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के पुत्र हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, कहीं कोई है, कहीं दक्षिण में कहीं डीएमके है। तो कांग्रेस इस भ्रम में यदि सोचती है कि मुस्लिम वोट उसके उसका गुलाम है तो वो कंडीशन भी नहीं है। उस चक्कर में कांग्रेस ने धीरे 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 अपना वजूद खोया है पूरी तरह से। वरना जो जो 1984 में जो 404 सीट लेकर के आई उसके लिए 40 सीट का भी आफत हो जाना, मुझे लगता है कांग्रेस क्यों नहीं इस पर चिंतन करती है कि धीरे 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 आपने कुछ जातियों को कुछ लोगों ने बांध कर रखा है कि बिहार और यूपी में MY समीकरण है। मैं तो देख रहा हूं बहुत बड़े पैमाने पर अब वो समीकरण भी टूट रहा है, क्योंकि राम तो सबके हैं,
आप उस समय की बात अलग है, आज की तारीख में आप जब राम मंदिर बन चुका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुहर लग चुके हैं, तब आपका रामद्रोह बहुत घातक हो सकता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में 2019 के चुनाव से 2014 के परिणाम से भी बहुत ज्यादा घातक होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप रामद्रोही तो बन ही गए हैं, आपकी अपनी पार्टी में भी फूट पड़ गई है और आप वहां जा भी नहीं रहे हैं, तो और आपका बाबर प्रेम भी उजागर हो रहा है, पूरा इतिहास खुलकर सामने आ गया है। तो ये सारे खुलासे जो कांग्रेस को लेकर हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। मनीष जी, आपने समय निकाला इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आप मेरे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो। नमस्कार, वंदे भारत माता की जय। वंदे मातरम।